हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय। आज की इस वीडियो के अंदर ठीक है, तो प्राथमिक क्रिया ऐसी क्रिया मानव जो है वो पर्यावरण से जो भी डायरेक्ट यूज जो उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करता है उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक क्रिया। वैसे नॉर्मली वे में यही है कि पृथ्वी से जितने भी संसाधन मिलते उनके यूज के साथ जो भी क्रियाएं करता है उसको हम प्राथमिक क्रिया। कौन कौन सी जाती हैं? भोजन संग्रह, पशु चारण, खनन कार्य। इसके जो उदाहरण है वो याद रखें। ये चैप्टर आपका 8 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा, आप ध्यान से सुन। अखेट करने का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। तो भोजन संग्रह का मतलब क्या होता है? कोई भी फल फूल कंद मूल जो को इकट्ठा करना। जीवन निर्वाह दो कार्यों द्वारा होता है। पहले होता था अखेट करके मतलब शिकार करके, या फिर खाने योग्य जंगली पौधे और कंदमूल को इकट्ठा करके। आदि मानव जो रहता था वो जंगली पशुओं पर निर्भर होता था या फिर पेड़ पौधे पर निर्भर होता था। ये तो है अपनी बात नॉर्मल। अब अपने चलते हैं पॉइंट्स के ऊपर, जहाँ से आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या बनने वाला है? भोजन संग्रह विश्व के दो भागों में किया जाता है। पहला उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र यूरेशिया और दक्षिणी चिली आते हैं। अक्षांश वाले क्षेत्र उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण एशिया का आंतरिक प्रदेश आता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि भोजन संग्रह विश्व के कौन कौन से भागों में किया जाता है, तो ये ऑप्शन दे देगा, ठीक है। उसके अलावा नीचे की तरफ चलते हैं, तो एक ये चुंगम और चिक्कल। चुंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? चिक्कल कहते हैं, ठीक है। और ये जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है, ये याद रखना। तो बाद में नीचे की तरफ चलते हैं, तो आता है पशुचारण। पशुचारण का मतलब क्या आता है? पशुओं का चराना। पेड़ पर निर्भर रहने वाले जितने होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि पशुचारण करते रहते हैं, पशुओं के आगे पशु होते रहते हैं। तो बाद में क्या, धीरे धीरे उनका भोजन का भी काम चलता रहता है, इसलिए पशुचारण किया जाता है। चलवासी पशुचारण क्या होता है? चलवासी मतलब चल के, अपने साथ क्या पशुओं को साथ में लेके चलते रहते हैं एक जगह से दूसरी। इनका कोई भी एक जगह फिक्स नहीं होता, बस ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं पानी और चारागाह की उपलब्धता के आधार पर। ये इन पशुचारकों वर्गों के अपने चारागाह क्षेत्र होते हैं। अब होता क्या है कि ये जैसे ये दो व्यक्ति हैं, तो इनके चारागाह क्षेत्र है कि अगर ये एशिया में रह रहे हैं तो ऐसे एरिया में रहेंगे जहाँ हमारे जानवर आसानी से पाल ले जाएंगे। तो इसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के अफ्रीका और एशिया में भेड़ बकरियों को पाले जाते हैं। चलवासी पशुचारण के कुछ विषय तो वो जरूर याद रखना। चलवासी पशुचारण के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। इसमें प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक से अरब प्रायद्वीप होता है, मंगोलिया व मध्य चीन तक फैला। दूसरा यूरोप एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है, और तीसरा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका व मेडागास्कर द्वीप के ऊपर है। अब इसके बीच में क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो इसके बीच में क्वेश्चन आता है ऋतु प्रवास क्या होता है। ऋतु प्रवास का मतलब यह है कि गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ जाना और शीत में पर्वतीय भागों से मैदानों चारागाहों की तरफ प्रवास करते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं। ऋतु मतलब मौसम, ठीक है। अब कहीं पे कुछ ऐसे पशु होते हैं जो ज्यादा गर्मियों में रहना पसंद करते हैं, ऐसे पशु होते हैं जो सर्दियों में रहना पसंद करते हैं। तो क्या है, वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं पशुओं के अकॉर्डिंग, तो इसको ऋतु प्रवास कहते हैं। उसके बाद में चलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है। इसके दो कारण है, एक तो राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। रीजन क्या है? रीजन यह है कि चारागाह क्षेत्र खत्म हो रहे हैं, और जो सरकार है वो क्या कर रही है कि इन क्षेत्रों के ऊपर कुछ ना कुछ योजनाएं चला के वहां पे बस्तियां बना, ठीक है। प्रवासी और वाणिज्य पशुचारण के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, इसके बीच का अंतर आपको पता होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन आसानी से कर सकें। वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन का मतलब यह है कि इसके बीच में फार्म जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, मतलब कि एक निश्चित क्षेत्र होता है, ठीक है। और ये जो पशुपालन होता है ये ज्यादा व्यवस्थित और पूंजी प्रदान होता है, मतलब इसमें पैसे कमाए जाते हैं। इसमें बाड़ लगा के एक दूसरे को अलग कर दिया जाता है। मतलब होता क्या है कि ऐसे मान लो दो क्षेत्र हैं, एक बड़ा क्षेत्र है, इसके बीच में क्या है, यहाँ पे एक तार बांध देते हैं, ठीक है, लोहे की तार लगा देते हैं ताकि यहाँ से इधर पशु ना जा पाए। एक साइड तो रख देते हैं चारागाह क्षेत्र, मतलब कि चराई वाला क्षेत्र,
और एक तरफ क्या है पशुओं को बांध के रखा जाता है। इस तरह की ये विशिष्ट या हम कह सकते हैं वाणिज्य पशुधन पालन होता है। इसमें लगभग यही देखा जाता है कि जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, ठीक है। वाणिज्य में एक प्रकार के पशु पाल रहे हैं जबकि प्रवासी के अंदर भिन्न भिन्न पशु पाले जाते हैं, उनसे जितना भी सामान मिलता है या जितना भी मांस मिलता है उनको ये बेच देते हैं। और फिर उसके बाद में जैसे ये देखो वैज्ञानिक ढंग से संसाधित डिब्बाबंद कर विषयों के बाजारों में निर्यात किया जाता है और वैज्ञानिक विधियों का यूज करते हैं और सारे पशुओं का ध्यान रखा जाता है, बीमारियों पर नियंत्रण किया जाता है और उनको स्वास्थ्य का भी ध्यान दिया जाता है। उसके बाद में आता है कृषि। अभी वाणिज्य पशुधन पालन कहाँ किया जाता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये किया जाता है। कृषि, कृषि का करना क्या होता है? फसलें लगाना कृषि कहलाता है। निर्वाह कृषि का होता है, निर्वाह कृषि का मतलब क्या है कि कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया। निर्वाह कृषि होता है मतलब कि अपना जीवन जीना उस कृषि के ऊपर डिपेंड रह के। एक आदिकालीन निर्वाह कृषि जो कि प्राचीन समय से चली आ रही है जिसे हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? एक जगह पे अपनों ने फसल बोई, काटी, खाई, फिर अगली जगह पे चले गए, फिर अगली जगह पे गए, फसल बोई, काटी, खाई, फिर दूसरी जगह पे चले गए। ये तो क्या होता है स्थानांतरित कृषि। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे पूरी कहानी यही लिखी हुई है। आदिकालीन निर्वाह कृषि का होता है। अब एक चीज ये है कि स्थानांतरित कृषि को किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये नाम जरूर याद रखें, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भारत में इसे झूमिंग, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा, मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है, ठीक है। ये जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। यह है निर्वाह कृषि मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र जिसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम तक लगातार कृषि की जाती है। इसमें कृषि के दो प्रकार आते हैं, एक आता है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, एक चावल रहित। तो एक में चावल उगाया जाता है और एक में चावल नहीं उगाया जाता। तो चावल जहाँ पे उगाया जाता है वहाँ पे यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है, क्योंकि तो अब चावल बो दिया बट चावल को निकालने के लिए मानव श्रम चाहिए चाहिए। तो मानव जो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि है इसमें मानव की हम कह सकते हैं मानव श्रम की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। क्योंकि ये वाला जितना भी एरिया ये किसी भी क्षेत्र में लगाया जा सकता है, मतलब कि उष्ण क्षेत्र में लगाया जा सकता है। और चावल अगर चाहिए तो चावल के लिए पानी ज्यादा चाहिए, तो पानी आपको कहाँ पे मिलेगा? नदियों के पास वाले इलाकों में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में ऐसे नीचे की तरफ चलते हैं और तो उसके बाद में रोपण कृषि। रोपण कृषि का मतलब ये है कि रोप के फसलों को उगाना, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, कपास, केले, अनानास, और ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इस की जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी कुछ विशेषताएं, रोपण कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं? इसमें आकार बहुत बड़ा होता है, इसमें उच्च प्रबंध तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का यूज किया जाता है। श्रमिक इसमें सस्ते मिल जाते हैं, यातायात विकसित और बगान व बाजार सुचारू रूप से चलते रहते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रसिद्ध एरिया है, श्रीलंका और भारत का कुछ चाय का बाग है, मलेशिया में रबड़ फेमस है और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के बाग फेमस है। इंडोनेशिया में गन्ने की कृषि में डचों का एकाधिकार है। थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बाकी इसका कोई जोड़ नहीं। रोपण कृषि की विशेषता पढ़ लेना। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का होता है। विस्तृत मतलब बड़ा, वाणिज्य मतलब पैसे से, अनाज मतलब कोई भी चीज, ठीक है। इसमें प्रमुख फसल कौन सी होती है? गेहूं होती है। अब इसमें खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य इससे किए जाते हैं, यंत्रों से किए जाते हैं। और इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपके पास एक मरबा जमीन है, ठीक है, एक मरबा जमीन है और वहां पे मान लो 100 क्वांटल क्या गेहूं होगी, 100 क्वांटल गेहूं होगी। अब इस 100 क्वांटल को खाने के लिए बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं, मतलब परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या उत्पादन ज्यादा हो जाता है, तो इसका हिसाब तुम्हें खुद ही लगाना पड़ेगा। उसके बाद में आता है ये नाम जरूर आप पढ़ लेना कि ये जो कृषि है ये यूरेशिया के स्टेपेज, प्रेरीज, अमेरिका के पंपास, बेल्ट्स, डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदानों में ये कृषि होती है। वस्त्र विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। मिश्रित का मतलब दो चीजों को मिक्स करके, में खेतों का आकार मध्यम होता है, फसलें गेहूं, जो राई, मक्का, चारे की फसलें कंदमूल प्रमुख है। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक है, ये लाइन इंपोर्ट।
चारे की फसल। इसमें पशुओं के साथ साथ कृषि भी की जाती है, बस इतना पॉइंट याद रख लो, पशुओं के साथ कृषि की जाती है और कृषि के अंदर ही चारा आता है जो कि पशुओं के लिए। हो गया, इतना याद रखना। विकसित कृषि यंत्र होंगे, इमारतें होंगी, रासायनिक वनस्पति खाद होगी, तभी ये सारा काम चलता है। शहरी कृषि, इसमें दूध के ऊपर ध्यान दिया जाता है, दूध जो होता है उसको बेचा जाता है, तो पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत व दक्ष प्रकार कौन सा है? शहरी कृषि है। ठीक है, उसके बाद में वाणिज्य डेयरी कृषि के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है और दूसरा कनाडा, तीसरा न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मान। भूमध्य सागरीय कृषि जो कि अंगूरों या हम कह सकते हैं खट्टे फलों के लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे होती है? भूमध्य सागरीय एरिया में होती है। ठीक है, जिसके बीच में कुछ यहाँ पे फसलें हैं जैसे मनक्का, किशमिश, अंगूर, ये इसकी विशेष। ठीक है, उसके बाद में बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि। बाजार के लिए सब्जी खेती उद्यान कृषि तो क्या कि जितनी भी सब्जी उगाई जाती है या बाग बगीचों में लगाई जाती है वो सारी चीजें यहाँ पे बात करेगा, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना बागवानी कृषि, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है तो बता देता हूँ। ट्रक कृषि, ये क्वेश्चन बन सकता है ट्रक कृषि। यहाँ से बागवानी फसल विशेषता ट्यूलिप पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहां इसको ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ सब्जियां उगाई जाती हैं वहां पे ट्रक कृषि कहते हैं। ट्रक कृषि ट्रक फार्म वह बाजार के मध्य दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है उसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया। ठीक है, ट्रक से सामान को लेके जाते हैं इसीलिए ट्रक कृषि रख दिया। यहाँ पे केवल सब्जियां उगेंगी वो ट्रक कृषि कहलाता है बस। तो बाद में सहकारी कृषि, तो सहकारी कृषि क्या कहता है? जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने की स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बना ले। सहकारी संस्था में क्या होता है कि एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, उसके ऊपर 15 से 20 लोग इकट्ठे मिलकर पैसा लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सहकारी कृषि। जैसे सहकारी संस्था होती है, ऑपरेटिव सोसाइटी है, वैसे हो जाता है। सामूहिक कृषि का यहाँ पे देखो बड़ा बड़ा करके नाम लिखा हुआ है, कोल खोज किसे कहते हैं? तो सोवियत संघ या फिर रूस में किस नाम से जानते हैं? कोल खोज के नाम से जानते हैं। सामूहिक कृषि मतलब इकट्ठे कर होके सारे के सारे लोग तो सामूहिक कृषि करते हैं। ठीक है, तो बाद में आता है खनन। खनन के बारे में कितनी बार बता दिया? खनन मतलब खोदना, जमीन को खोदना, जमीन को खोद के वहां से खनिज निकालना। खनिज निकालने की दो विधियां, एक है कूप की विधि और एक है विपरीत खनन। ठीक है, ये देखो खनन को प्रभावित करने वाले कारक है तो एक तो भौतिक कारक होते हैं, एक आर्थिक कारक होते हैं, मतलब पैसे से रिलेटेड कुछ कारक हैं। भौतिक कारक मतलब जमीन को लेके हैं कि जमीन कैसी है, वहाँ की खुदाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो चीजें। खनन की विधियाँ, एक है धरातलीय या भूमिगत खनन, धरातलीय व भूमिगत खनन। धरातलीय कौन सा है? ये देखो कुप की खनन के अंदर क्या होता है? कुप की खनन के अंदर बहुत बड़ी पाइप को नीचे लेके जाना पड़ता है या मशीनों की सहायता से गहराई तक जाना पड़ता है, इसको कहते हैं कुप की खनन या भूमिगत खनन। ठीक है, और एक होता है विवृत खनन। विवृत खनन का मतलब यह है कि थोड़ी बहुत ऊपर की जो हम कह सकते हैं पहली परत को हटा दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विवृत खनन। धरातलीय खनन को ही विवृत खनन कहते हैं, धरातलीय खनन भी कहते हैं, नाम याद रखना, धरातलीय या विवृत खनन। ठीक है, तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।